मेरा नाम मोनिका अरोड़ा है. मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और दिल्ली में पोस्टर्स बैन करवाए कानून द्वारा, दिल्ली में काउ वेलफेयर बोर्ड बनवाया कानून द्वारा, और जो भगत सिंह राजगुरु को आतंकवादी लिखा जाता था टेक्स्ट बुक्स में, उसको हटाकर क्रांतिकारी करवाया. मेरा ये मानना है कि आदमी हो या औरत, आपकी विचार का, विचार शक्ति का, बौद्धिक क्षमता का और वाक पटुता का कोई लिंग नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता. क्या बात है. इसलिए आप सुनो की तरह आप शिक्षा दीजिए, अवसर दीजिए, तो आदमी हो या औरत सबके सपनों को पंख मिल सकते हैं. मैंने जो अपने लाइफ से देखा है ना, मुझे लगता है कि देखो कठिनाइयां तो हम सबके लाइफ में बहुत आते हैं, मुसीबतें भी आती हैं. जैसा आपने कहा कि हमें इतनी ताकत है कि हम न रुकते हैं, न झुकते हैं, न टूटते हैं. और मैं भी एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है. तो मुझे लगता है कि हम सब में ना वो ईश्वर ने ताकत दी है, वो शक्ति दी है कि हम मल्टीटास्किंग भी कर सकती हैं. और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि 125 करोड़ भारतवासियों में भगवान ने हमें क्यों बनाया, मतलब वाई वन एक्स्ट्रा. इसका मतलब हम जैसा कोई और नहीं है, हम किसी खास मकसद से इस दुनिया में आए हैं. वो खास मकसद क्या है हमें हर समय उसको जानना चाहिए. वी आर डिफरेंट, वी आर यूनिक. वो यूनिकनेस क्या है वो इस पे निर्भर नहीं करती कि हमारी सास सुबह उठ के हमारे लिए खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बुरा बोलेगी कि नहीं बोलेगी, हमारा हस्बैंड भाई मदद करेगा कि नहीं करेगा. मैंने विद्या जी की वो पिक्चर अनगिनत बार देखी है, लगे रहो मुन्ना भाई. और लगे रहो मुन्ना भाई में आप बताइए, जब वो रेडियो जॉकी थी, वो जब आरजे का रोल अपना प्ले करती थी, कब वो उन बूढ़े लोगों की सेवा में लग गई उस समय, का वो समाज के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस करना शुरू कर दिया. यानी आपके जो घर का काम था और आपकी जॉब था उसमें अंतर ही खत्म हो गया. आप 24 घंटे विद योर पैशन आप वो आरजे का काम कर रही थी. तो मुझे लगता है कि हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, इफ वी परस्यू अवर पैशन, हम म्यूजिक में अच्छे हैं तो हम गा रहे हैं ना, हम 24 घंटे हम खाना बनाते हुए भी गा रहे हैं, कपड़े धोते हुए भी गा रहे हैं, घर में भी गा रहे हैं. पैसे की आवश्यकता हो या ना हो, हम बाहर जाना चाहें तो हम जॉब भी ले सकते हैं. अगर हम अपने पैशन को परस्यू करते हैं और पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, देन द स्काई इज द लिमिट. इसके लिए मैं एक बात और कहूंगी, ऐड करूंगी. मैं हमेशा विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित रही, और विवेकानंद जी ने अपने जीवनी में लिखा है कि वन लाइफ वन मिशन. आप कुछ भी तय कर लो, आपने कहा एस्ट्रोनॉट बनूंगी, आपने कहा माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते केवल और केवल उसी के बारे में सोचो. ऐसा सपना देखो जो आपको रात को सोने ना दे. आप उसी और लगातार लगातार आगे बढ़ते जाओ, कि जो 100 माइल्स की सड़क है वो भी पहले कदम से ही शुरू होती है. तो लगातार काम करो, आप बन जाओगे. और जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, शायद हम सभी लोगों ने एक सपना देखा, लगातार काम करते रहे, उसको साकार. जुनून के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. एक लाइन बोलो. जी जी जी. आपको देखकर ध्यान में आता है जी जी कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है. जी जी बिल्कुल. कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा. अरे वाह. आप वैसे आपने कहा आप लॉयर हैं, हमें लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं. या फिर ऐसे खड़े होकर अगर आप यू नो कोई केस लड़े तो सब बेहोश ही हो जाएंगे. हर केस आप जीत जाओगे. अहम रहूंगी. बिल्कुल ठीक कहा विद्या जी. यू नो इट्स बिल्कुल ठीक. जो आपने कहा ना जी,
हम लोग अक्सर जैसे हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और शायद हम लोगों ने अब तक 50,000-70,000 कितने केसेस कर लिए, मैट्रिमोनियल मुझे याद नहीं है, जो भी आता है और बोलता है, हम उसे यही कहते हैं कि पहले आप खुद खुश रहो. आप खुश रहोगे, आप अपने बच्चों को खुशी दोगे, अपने परिवार में खुशी दोगे, समाज में खुशी दोगे, आप किसी और का भला भी कर सकते हो. अब आपकी एक जो मन की दुकान है उसमें करेला और नीम पड़ा होगा तो आप सबको करेला और नीम दोगे, और आपके अंदर अगर अगर आपके अंदर सेब पड़ा होगा और आम पड़ा होगा और मिठाई होगी, आप सबको वो दोगे.